बात कर रहे हैं TTML की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटा मोटा अपसाइड हमको स्टॉक में नज़र आ रहा है। इस छोटे मोटे अपसाइड के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 73.42 रुपीज़ पर हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट है स्टॉक में, रिजेक्शन लिया है, 80 का लेवल ब्रेक डाउन कर गया, तो हमने डिस्कस किया था कि और गिरावट दिखा सकता है नीचे की ओर। इस आज के दिन हमको 70 के लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर TTML पे बन रहा है, 70 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो छोटे मोटे जंप पर आप हमको अवेयर रहना है, क्योंकि जंप स्टॉक हमको दिखा रहा है लेकिन रिजेक्शन के साथ रिसेंट लो ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है, तो 70 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर सकता है। इसके बाद जो सबसे आखिरी उम्मीद हमारी रहेगी, आप इस लो को देख रहे हो जहाँ से इससे पहले गिरावट के साथ बाउंस बैक किया था 64 का लेवल, फिर इसके आसपास से ही खेल के पलटने के चांस बनेंगे, लेकिन 70 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता और इसी लेवल से बाउंस बैक कर जाता है, तो एटलीस्ट स्टॉक को 80 का लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा। मतलब अपना पहला टारगेट रहेगा 80, जहाँ यहीं से पहला टारगेट रहेगा 80 का लेवल। अगर 80 का लेवल ब्रेकआउट करके इसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन हो गया, तो वैसी सिचुएशन में फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये जो हाई, जहाँ से रिजेक्शन के साथ बड़ी गिरावट आई थी, 84 का लेवल। और 84 के लेवल का ब्रेकआउट मतलब फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल, फिर नेक्स्ट टारगेट 90, और इसको ब्रेकआउट करके 98 से 100 तक का भी जम दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में है, यहाँ से 70 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो 64 के आसपास एक अच्छा मौका बन सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।